नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 67 यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए भारत एवं विश्व का भूगोल। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन ए देखिएगा कोलेरू, ऑप्शन बी बुलर, ऑप्शन सी है नल सरोवर और ऑप्शन नंबर डी सांभर। तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा अरावली श्रेणिया किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए देखिएगा राजस्थान, बी है उड़ीसा, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। और अरावली श्रेणिया गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर के दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। ऑप्शन ए देखिएगा गोदावरी, बी है ताप्ती, सी है कृष्णा और डी है महानदी। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ताप्ती। ये क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिएगा ताप्ती नदी है तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर, ये कहाँ पे है तो बैतूल जिला से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है। नोट लगाइएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा कावेरी, बी है कृष्णा को, सी है गोदावरी को और डी है नर्मदा को। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए देखिएगा पेट्रोल के भंडार के लिए, बी है हीरे के खान के लिए, सी है आणविक पावर कारखानों के लिए और डी है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पेट्रोल भंडार के लिए क्या प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए देखिएगा कोटोपैक्सी, बी है फ्यूजियामा, सी है कियालू, सी है किलायू और डी है विसुवियस। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी किलायू। वर्तमान में संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, किआलू है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ए देखिएगा हिमालय, बी है एंडीज, सी है रॉकीज और डी है आल्पस। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत चोटी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट पे, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। ऑप्शन ए देखिएगा बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है प्लूटो। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र। और शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सुबह का तारा कहा जाता है, शाम का तारा और
सुबह का तारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये देखिएगा बृहस्पति, बी है वरुण, सी है शुक्र और डी है शनि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट देखते हैं भूटान की राजधानी है, भूटान की राजधानी है ऑप्शन ए देखिएगा ढाका, बी है थिम्पू, सी है बीजिंग और डी है टोक्यो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भूटान की राजधानी है वो क्या है? थिम्पू है। और ढाका कहाँ की राजधानी है? तो बांग्लादेश की, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बीजिंग किसकी राजधानी है? तो बीजिंग है चीन की। और टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो टोक्यो है जापान की। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।